मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी लोगों को। और अभी हम लोग आ चुके हैं केएल सेंट्रल। मलेशिया आ रहे हो तो आप केएल सेंट्रल ज़रूर ही आओगे, क्योंकि यहाँ से आपको हर डायरेक्शन के लिए हर तरह की ट्रेनें मिल जाएंगी। और आज मैं यहाँ की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ। देखते हैं कैसी है, उसका इंटीरियर कैसा है, उसकी सर्विसेज कैसी है, उसमें मैंने खाने का भी ऑप्शन जो है ऑप्ट किया है, वेज खाना मिल पाता है कि नहीं। बाकी ये रहा अपना केएल सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में एक नई जर्नी आपका इंतजार करी। चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। टिकट वगैरह मैंने कहाँ से बुक की, कैसे बुक की, कौन सी ट्रेन है, सभी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। टिकट्स वगैरह जाना है तो आपको कम्यूटर मिल जाएगी रैपिड केएल से। आप हम लोग जिसमें जा रहे हैं वो रैपिड केएल है, साथ में केएल आई एक्सप्रेस है जो कि एयरपोर्ट के लिए जाती है। तो एंट्री करते आपको सबका डायरेक्शन मिल जाएगा, बट केएल वाले के लिए नीचे जाना है। अगर आप लोग भी ट्रेन से आ रहे हो ना तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ मिलने वाला है, आप लाउंज एक्सेस कर सकते हो। ये रहा रूबी लाउंज, चलिए बिजनेस क्लास लाउंज है, एंट्री करवा लेते हैं वहाँ की। तो बाकी रूबी लाउंज की डिटेल्स यहाँ पे, बिजनेस क्लास के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। देख लो पूरा टाइमिंग वगैरह सब दिया हुआ है कि कौन कौन लोग एक्सेस कर सकते हो। तो ये है यहाँ का रूबी लाउंज, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास टिकट है तो। लाउंज में होने के कुछ तो फ़ायदे हैं कि यहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी वगैरह जो कुछ चाहिए ना उसके आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप चाय पी सकते हो, माइलो पी सकते हो, वाइट कॉफ़ी पी सकते हो, सारे ऑप्शंस हैं। साथ में पानी का भी ऑप्शन है, बस यही चीज़ें आपको मिलती हैं, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये है एक बार आप प्रीमियम लाउंज के यहाँ का इंटीरियर देख लो। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ वीगो ऐप के बारे में, जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है, मल्टीपल लैंग्वेज एंड करेंसीज में अवेलेबल है। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनली भी फ्लाइट्स एंड होटल्स चीपेस्ट रेट में मिल जाएंगे। वीडियो आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एंड 1000 से ज़्यादा रिजल्ट्स को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट डील प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप लोग बैंगलोर या चेन्नई से सिंगापुर की फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लाइन से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, एयर एशिया और हमारे स्कूट एयर, बतिक एयर, एयर इंडिया, साथ साथ सिंगापुर एयरलाइन। जैसे मुझे सिंगापुर एयरलाइन पसंद है तो मैंने उसे चूज़ किया। उसके बाद उसको बुक करने के लिए भी मेक माई ट्रिप, क्लियर माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे उसे आप आसानी से चूज़ कर सकते हो और अपनी फ़्लाइट को सस्ते रेट में बुक कर सकते हो। सेम चीज़ है होटल के लिए भी, आप अपनी लोकेशन चुन लो, डेट वगैरह चुन लो, ऑप्शंस मिल जाएंगे। चीपेस्ट चाहिए तो चीपेस्ट, एवरेज चाहिए तो एवरेज, जैसा चाहिए आपको होटल चूज़ करो। जब आप चूज़ कर लोगे ना उसके बाद नीचे आपको उसको बुक करने के लिए भी बहुत ऑप्शन मिलेंगे, booking.com, Agoda हो गया, और ऐसे मतलब बहुत सारे इंटरनेशनली जो ब्रांड्स हैं ना उनके भी आपको वेबसाइट वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप उसे सस्ते रेट में बुक कर सकते हो। सारे जो रेट्स आपको इंडियन करेंसी में दिखाई देगा, चाहो तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो। तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बुकिंग टाइम पे कि भाई कुछ चेंजेस वगैरह हों, और जो रेट वहाँ दिखा रहा है उसी रेट में आपकी चीज़ें बुक होंगी। नए वीगो ऐप में नया फीचर ये भी है कि आप उसमें आप ट्रेन टिकट तो बुक कर ही सकते हो इंडिया की, साथ साथ अब आप वहाँ पर इवेंट बुकिंग कर सकते हो और वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो चीज़ थी वो पहले नहीं अवेलेबल थी, अब वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाला प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो गया है। देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ट्रिप स्टार्ट करने से पहले ज़रूर डाउनलोड कर लेना, आपके बहुत काम आएगा ये। यहाँ पे अनाउंसमेंट भी होती है, डिस्प्ले में भी आ रहा है कौन सी ट्रेन है, कहाँ की है। चलो चलते हैं बोर्ड करके देखते हैं कैसी है। ये है फर्स्ट लुक इसका, वाओ देखने में ही मस्त लग रही ट्रेन। तो भाई ट्रेन का फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, क्या कमाल की लग रही है। और ये यहाँ की सबसे बेस्ट ट्रेन है, मलेशिया की सबसे बेस्ट ट्रेन को एक्सपीरियंस करना है तो आपको इसी ट्रेन में बैठना पड़ेगा। बाकी आपको बताऊँ, ये जो ट्रेन है ये केएल सेंट्रल से बटरवर्थ के लिए चलती है, तो आपको वहीं के लिए बुक करनी पड़ेगी, सबसे कॉस्टलीस्ट ट्रेन भी है। चलिए कॉस्ट वगैरह की बात तो अंदर चल करेंगे, इंटीरियर आपको दिखा देते हैं चल के। बाकी ट्रेन नंबर से लेकर जो सभी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। मेरा अपना एक कोच जो कि सबसे आगे ही होता है, ये रहे अपने संदीप भाई ट्रेन का निरीक्षण करते हुए। लगेज के लिए स्पेस यहाँ पे आप देख लो दिया ही हुआ है। कैसे जो हमारे वंदे भाग है ना सिस्टम, अच्छा अच्छा इमरजेंसी वाला, हाँ ये देखा है मैंने पहले कहीं। इंटीरियर आप देख लो, ये है कुछ बिजनेस क्लास का, 1+2 का सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। इस सीट पे तो मैं बैठ गया हूँ, और एक चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी कि इसमें नेक सपोर्ट दिया हुआ है जो कि मूवेबल है, और इसका जो सीट लेवल है वो अच्छा है, मतलब कंफर्ट लेवल काफ़ी सही है। बाकी चौड़ाई भी ठीक ठाक है, लेग स्पेस भी देखो बहुत बढ़िया दिया हुआ है। चार्जिंग सॉकेट वगैरह यहाँ पर आपको दिए हुए हैं USB, और यहाँ पे 3 पोर्ट वाला अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो, यहाँ काम भी कर सकते हो।
नीट एंड क्लीन है, मेन बात ये है। किराया वगैरह सब आपको बताऊंगा थोड़ी देर में जब ट्रेन खुलेगी 8:03 पे, देखते हैं डॉट टाइम खुलती है या थोड़ा बहुत डिले होता है। बाकी उस वक्त बाहर तो दिन हो गया, अभी अंधेरा देखने को मिल रहा है। कुल भाई डॉट ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है, मतलब ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे, पर डॉट ऑन टाइम ट्रेन निकल चुकी है। केएल सेंट्रल से निकल करके हम लोग अपने पहले हॉल्ट कुआलालंपुर पे भी रुके हैं। अभी जस्ट ट्रेन यहाँ से निकली है, सामने आपको वो बटू केव्स वाली जो ट्रेन है उस टाइप की ट्रेन देखने को मिल रही है। वो काफ़ी स्लो चलती है। तो यहाँ पे देख लो वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग मेद्रिका, यहाँ पे पीछे बस कुआलालंपुर से निकलते ही राइट साइड आपको देखने को मिल जाएगी। अभी मेरी आंखों में एकदम साफ साफ नींद दिखाई दे रही होगी, बताऊँ क्यों? क्योंकि अभी हो रहे हैं सुबह के 8, इंडियन टाइमिंग हिसाब से भी हो रहे हैं 5:30 AM, तो जो 5:30 तो अभी हो रहा है। तो इस ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं सुबह 5 बजे अपने होटल में उठा था फ्रेशअप होकर के स्टेशन आने के लिए। 5 बजे मतलब 2.5 घंटे पीछे, यानी 2:30 रात का उठा हुआ हूँ सुबह की ट्रेन जर्नी करने के लिए। मेरी आँखें वगैरह जो है पूरी लाल हो रखी हैं और हाल वैसा है, शायद कि एक थोड़ा पावर नैप लेना पड़ेगा आधे घंटे का, वरना तो हमारी बैटरी डाउन हो जाएगी। बहुत सारे स्पेशल फीचर भी दिखाने हैं यहाँ पे, एक बेस्ट चीज़ आपका इंतजार कर रही है। थोड़ी देर में इसको खोलते हैं और दिखाते हैं इसके फीचर्स को। तो मैं सोने का मूड बना ही रहा था तो यहाँ पे अपना जो है ब्रेकफास्ट आप इसे कह सकते हो ये आ चुका है। अब इसमें चौको चिप मफिन है, आप देखेंगे इसमें अंडे वगैरह पड़े कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर गर्म पानी दिया है कॉफ़ी डाल के, और साथ में यहाँ पर शुगर एंड क्रीमर वगैरह दिया है, और यहाँ पर एक स्पेशल बॉक्स दिया है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। बिज़नेस क्लास में इसमें लिखा भी हुआ है, ट्रेन का लुक बाहर बना हुआ है, ETS एंड बिजनेस क्लास बॉक्स, देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो ट्रेन वैसे हमारी लगातार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल रही थी, अभी चलो थोड़ा धीरे हुई है। बाकी यहाँ पे चाय सामग्री मिली थी तो वो मैंने बनाया है यहाँ पे, और संदीप भाई भी वही प्रक्रिया में लगे हुए हैं। प्रीमिक्स वगैरह सब मिलता है, पर यहाँ की पता नहीं चाय दूध का स्वाद कुछ अलग ही आता है संदीप भाई को, है ना, कड़वा कड़वा सा थोड़ा। फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, एटलीस्ट वेज है इस चीज़ की गारंटी है। ये तो वेज है, बाकी देखूँ इसमें है क्या, अभी खोला नहीं है। बहुत बढ़िया भाग रही है यहाँ पे, और आपको मैं बॉक्स में दिखा देता हूँ क्या था। तो बॉक्स में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पीनट्स, सॉल्टेड पीनट्स हैं यहाँ पे, वो भी एक नहीं 2 पैकेट, साथ में अपना किटकैट जो है वो भी है यहाँ पे, ये तो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू मलेशियन रेलवे इसके लिए, और साथ में एप्पल जूस। चलो ये तो सब चीज़ें वेज हैं, और बाकी इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, इन्ग्रीडियंट्स देखना पड़ेगा इसके मेरे को। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि अपनी इंडियन रेलवेज में मिलने वाला पोहा कटलेट थेपला वाला जो ब्रेकफास्ट है वंदे भारत का, इससे अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपको सोचो स्नैक्स में जीना पड़ रहा है और फिर भी वो टेस्ट नहीं आ पा रहा जो आपको चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि इसका जो कम्फर्ट लेवल है ना इस ट्रेन का, वो हमारी वंदे भारत का आधा है। उसका एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करो तो आपको राजा महाराजा वाली फीलिंग आएगी। इसमें छोटी सीटें सब कुछ छोटा छोटा था, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल वाली फीलिंग नहीं है। ये जो डिस्प्ले भी खुल के आ रहा है कुछ ज़्यादा स्मूथ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, इंटरनेट लैग कर रहा है, बुरी बुरी तरीके से चल रहा है। तो इसकी जो हाइप बनी हुई है ना इंटरनेट पे, उतना वर्थ इट नहीं है ये, ना ये बिजनेस क्लास इसका और ना ही ये जो इसका डिस्प्ले वो किसी काम का नहीं है, एक्चुअली बता रहा हूँ। बाकी वॉशरूम वगैरह एक बार देखेंगे कैसे हैं, तो मतलब ठीक ठाक है, अगर आप ट्रैवल करो तो आप कर सकते हो, पर वो जो है ना फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास वाली जो वाइब इंडिया में आती है वो यहाँ नहीं आएगी आपको, इस चीज़ में आपसे कह रहा हूँ। अच्छा बाकी यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो ट्रैक्स हैं सारे मीटर गेज के हैं, और मीटर गेज में आपको ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं
अब ये सोचने वाली बात है कि इंडियन रेलवेज की वंदे भारत ब्रॉड गेज में चल रही है 130, ये मीटर गेज में चल रही है 120। सुविधाएं आप देख ही रहे हो, कंपैरिजन आप देख ही रहे हो। आपके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कौन सी सुविधा आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है। मतलब मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि बाकी तो हमारे अपने देश में हमको प्यार है ही, चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे पास भी मीटर गेज थी जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया, ब्रॉड गेज कर दिया, तो क्या हम भी उसका यूज़ ऐसे ही कर सकते थे? आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी देख लो लुक कुछ ऐसा है ट्रेन का, और साथ में किसी ना किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है, कम्यूटर ट्रेन है यहाँ की। अचानक से ट्रेन को जोश आ गया, अचानक से 130, हाँ देखो 130, भाई साहब मैं कह ही रहा था कि 130 होगी पक्का, इतना तेज चल रही है ट्रेन, मीटर गेज में 130 चल रही है। यहाँ पे बाथरूम के इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं कि बाथरूम अभी ऑक्यूपाइड है, तो और डोर्स वगैरह के लिए आपको ऐसे ऐसे प्रेस करना पड़ता है, तब जाके खोलते हैं। और ये रहा यहाँ का वेस्टिबल, दो कोच के बीच का गैप, ये है नॉर्मल क्लासेस ट्रेन का 2+2 के अरेंजमेंट के साथ, गोल्ड क्लास है। तो बाकी वॉशरूम कुछ ऐसे हैं और साफ सुथरा एकदम, उसकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ पे बढ़िया वॉशरूम से। और हाँ, यहाँ से हाथ निकल सकता है अगर मन बनाया जाए तो। ऑटोमेटिक डोर वाली ट्रेन है, अब हम लोग उतर के ज़्यादा ब्लॉग वगैरह बनाने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि एक ही स्टॉप होता है, अंदर से ही बनाएंगे, हमें अंदाज़ा भी नहीं है ना कितनी देर का हॉल्ट होगा। इंडियन ट्रेन रहती तो हम उतर के बाहर ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं थी, टेंशन नहीं थी। अब यहाँ पर रह गए ना तो रह ही जाएंगे, और पता नहीं कब फिर लौटें, कब वापसी की तैयारी हो पाए, इसलिए उतना रिस्क लेना ही नहीं है। और ना यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं, ना यहाँ आपके वो कुछ जानकारी है इस जगह के बारे में, ना आप लोग यहाँ के हो कि आपको आपका स्टेशन दिखाऊँ मैं। अच्छा, इस ट्रेन का ये गोल्ड क्लास है जैसे आप देख रहे हो, इंटीरियर बहुत सही है इसका भी, पर इसमें 2+2 की सीटिंग है। और जो इसका सी कोच होगा उसमें आपको खाने पीने के लिए ये कैफेटेरिया टाइप का मिल जाएगा, जहाँ से आप खाना पीना ले सकते हो। देखते हैं यहाँ पे कुछ वेज होगा तो उसे ट्राई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कोई भी वेज आइटम अवेलेबल नहीं है, सब कुछ नॉन वेजिटेरियन आइटम है। यहाँ पर ये आप ट्राई कर सकते हो वेज में, ये भी पूरा नॉन वेज आइटम्स है, तो ये आपको यहाँ पर ट्रेन में मिल जाएगा। यहाँ की ट्रेन्स में ना हमें एक चीज़ बहुत पसंद आ रही है, हमें ये चीज़ पता है कि हमारे खाने का यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉन वेज ही मिलेगा, पर फिर भी उम्मीद से आते हैं कि शायद कुछ मिल जाता दिखाई ना। जंगल ट्रेन में भी हम लोग को एक सेपरेट से डाइनिंग कार मिला था, वहाँ बैठ के खाया था, चाय पी थी, खाया गया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे इस पर भी देख लो एक कार है, और चार आदमी के बैठने की जगह है, लेकिन फिर भी जगह बड़ी सही लग रही है। तो हम लोगों ने ब्लैक कॉफ़ी ले ली है, ना चीनी है, ना मिल्क है, ना कुछ, बस गर्म पानी और कॉफ़ी, वो हम लोग पी रहे हैं। पर ये एम्बियंस और ये जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। कभी आ रहे हो ना विदेशी ट्रेनों में मलेशिया की, तो सी कोच में चले जाना, सी में आपको आप सी याद रखना केटरिंग से, तो वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा काउंटर, और ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अपनी ट्रेन इपो पहुँची है, और यहाँ का वो मेन स्टेशन है, आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ 10:30 पर हमारी ट्रेन इपो आके खड़ी है, जो कि यहाँ का मेन स्टेशन है, आप कह सकते हो। यहाँ पे आप देख लो, और बस स्टैंड वहाँ पे देख लो।
तो भाई यहाँ पे दरवाजे बंद हो गए कोशिश चलने के लिए भी। देखो एकदम तमिल स्टाइल यहाँ पे मंदिर देखने को मिला है अपने को, ईपो से निकलते ही लेफ्ट साइड पे, और गुरुद्वारा साहिब भी है, गुरुद्वारा साहिब रेलवे ईपो। नज़ारे बहुत सही आ रहे हैं यहाँ पे। ईपो से हमारी ट्रेन में खाना चढ़ा हुआ है, हमने वेज मील ऑप्ट किया था तो वो भी आएगा, पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन हम लोग इंडिया से अपना जुगाड़ करके चले। तो ये रहे खाकरे, कॉइन खाकरे, आप देख ही रहे हो हम लोग सिंगापुर से इसके बहुत सारे बॉक्स लेकर चले थे। मैक्सिकन खाकरा मुझे बहुत पसंद है कृष्णा फूड का, अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो इंडिया में घर बैठे बैठे तो कर लेना, और कभी विदेश जा रहे हो तो ज़रूर लेकर जाना साथ में, टेस्ट बड्स खुल जाएंगे। और इंडिया के अंदर तो आप बहुत सारी चीज़ें मंगा सकते हो, खाकरा हो गया, ठेपला हो गया, साथ साथ इनके फाफड़े हो गए, गाठिया, बहुत सारी गुजराती जो स्नैक्स है ना, हेल्दी स्नैक्स, इवन पीनट सिंगदाने, वो सब आप मंगा सकते हो घर बैठे बैठे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे, मंगा लेना। बाकी नमकीन समोसे सब कुछ लेकर चले हम लोग इंडिया से, तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। ब्लैक कॉफ़ी ले ही ली थी हम लोगों ने। कितना पुराना ट्रेन लग रहा है, ये सीमेंट ले जा रही है या क्या ले जा रही है समझ नहीं आया मुझे अभी तक। अच्छा रेक खड़ा है बस, गाड़ी 140 चल रही है यहाँ पर। वाह, वही मैं सोचूँ इतना तेज़ लग रही थी ट्रेन। और यहाँ पे जो केटरिंग सर्विस है ना वो शुरू हो चुकी है, खाना पीना ट्रेन का आ चुका है यहाँ पे। केटरिंग सर्विसेज जो है वो देखो यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, देखते हैं वेज ऑप्ट किया था क्या आता है हमारे लिए। भाई हमारे साथ तो स्कैम हो गया, वेजिटेरियन के लिए अलग से कॉल करना पड़ेगा, हमने ऑफ किया था पर वेजिटेरियन के लिए अलग से ऑफ करना पड़ेगा, कॉल करके बताना पड़ेगा, केवल ऑफ करने से नहीं होगा। और यहाँ पे नॉनवेज थाली पूरी आई थी बन के, उसमें एक कोने में सब्जी बड़ी थी, बोले चावल साथ खा लो, चिकन वगैरह सब कुछ ग्रेवी के साथ है। नहीं भाई रहने दो, नहीं चाहिए। तो ये है, पानी की बोतल एक मिली है। और इस ट्रेन जर्नी की, 4 घंटे की जर्नी के लिए लगभग हम लोगों ने पता है कितना पे किया है, 151 आराम, तो वो आराम ना, तो वो लगभग 2600 के आसपास। मोहित भाई 25-2600 समझ लो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 4 घंटे के लिए पे किया है। और जिसमें खाने के नाम पे आपको क्या मिलेगा वो है धोखा। मलेशिया आपको बुला रहा है, हम तो खुश हैं इंडिया में, थोड़ी सी महंगी थाली दे दो, वेज खाना दे दो बस यार। भाई जिन लोगों ने मेरा सिया राजधानी का ब्लॉग नहीं देखा है ना, आज मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी। फ्रेश खाना, वेजिटेरियन खाना देखो कैसे सर्व होता है हमारी इंडियन ट्रेन्स में, गर्मा गर्म वो भी, देखो सूप वगैरह सब कुछ। नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको बहुत मज़ा आएगा यार उसमें। ये देखो ये वाला वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, खाना पीना सुविधाएँ जो है ना भाई इसमें, वो आपको और किसी रेलवेज़ में नहीं मिलेगी, केवल इंडियन रेलवेज़ में मिलेंगी। भाई ये है अपना चैनल, आप यहाँ डिस्प्ले पे एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को ख़त्म कर सकते हो। करके भी 140 kmph नॉन स्टॉप, बड़ी बात है ये। बस 1 घंटे की जर्नी हमारी और बची है इसमें, पर गाड़ी बढ़िया भाग रही है अभी। इतनी स्मूथ है कि आपको लगेगा नहीं कि मतलब 140 की रफ्तार हो, गाड़ी हिल रही है काफी ज्यादा, बहुत स्मूथ है गाड़ी। धूप लगा दो यार।
पर अच्छा है ना, रोटेटेबल सीट है यहाँ पे भी। इंडियन रेलवेज भी कुछ ना कुछ नया कर रही है, वंदे भारत में एग्जीक्यूटिव में रोटेटेबल दिया है, लीवर वगैरह भी ऐसा ही है कुछ थोड़ा थोड़ा देखने में। बट ये कि हम पैर दे नहीं, अच्छा पैर की स्पेस नहीं दिया ना, ये कैसे? बस ये केवल होगा कि रोटेट करके बैठ जाओ, मतलब या तो उधर या तो इधर, एक तरफ के लिए पैर फंस जाएंगे। रुक जाओ, ये देखो आप सीटों को आमने सामने करके एक दूसरे से बात भी कर सकते हो। बाकी पेनांग जैसे हम लोग पहुंचने वाले हैं, 12:10 हो रहा है, 12:15 का अराइवल टाइम था, कोई डिले यहाँ पे देखने को नहीं मिला ट्रेन का। ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे फीचर आपको दिए गए हैं स्पेशल, हाँ आमने सामने बैठ के। अगर इसमें वेज मिलता होता तो इन्जॉय कर सकते थे खाना, अभी तो वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बटरवर्थ जो है ना पूरा कोस्टल एरिया है, यहाँ से हम एक आइलैंड जाना है तो पूरा समुद्र के किनारे है, इसलिए आपको कुछ ऐसे नज़ारे स्टेशन वाले से पहले देखने को मिलेंगे। वहाँ पे सिटी भी है पूरा, वही है जॉर्ज टाउन एक्चुअली। देखो पूरा आइलैंड में जॉर्ज टाउन, और अभी हम लोग इस तरफ आए पेनांग में। बाकी पेनांग हम लोग पहुँच चुके हैं, 12:15 का टाइम था, बिल्कुल टाइम से पहुँचे हैं। लगेज वगैरह लोगों ने अपना यहाँ साइड में स्टोर किया हुआ है। अंदर बहुत भयंकर ठंड थी और यहाँ करके अच्छा लग रहा है, थोड़ा गर्मी वाला वाइब आया यहाँ पे। मलेशियन रेलवे के फ्लैट बेड आप यहाँ पे देख लो, फ्लैट बेड वाले कोचेज हैं। बाकी आपको कैसी लगी इस ट्रेन की जर्नी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मीटर गेज में होने के बावजूद इसमें ये लग्जरी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मैंने रीडिंग में देखी है इस ट्रेन को टच करते हुए, तो मुझे तो इसकी जर्नी बहुत अच्छी लगी। अभी नॉर्मली लोग आते हैं पेनांग में नॉनवेज फूड ट्राई करने के लिए, क्योंकि ये फूड कैपिटल आप कह सकते हो मलेशिया का। अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से एक आइलैंड है जॉर्ज टाउन, वहाँ पे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फेरी सर्विस चलती है, चलिए वो कवर करते हैं फिर देखा जाए। यहाँ पे अपने भाई लोग इनका रिव्यू भी जानेंगे। अच्छा देखो भाई, फूड रिव्यू तो मैं कर नहीं पाया, पर मोहित भाई ने टेस्ट किया था ट्रेन का चिकन वाला खाना, तो भाई कैसा था वो? ट्रेन का खाना नो डाउट बहुत अच्छा था, और मतलब मेरे को ऐसा लगा अगर वेज खाना भी इनका होता ना वो अच्छा होता, क्योंकि जो नॉन वेज इन्होंने दिया था एकदम फ्रेश अच्छा बना के दिया था भाई, एकदम वो खाने में भी ना इंडियन टेस्ट था, तो मजा आ जाता। अच्छा आपने इंडिया में मीटर गेज ट्रेन में शायद नहीं ट्रैवल किया ना अभी तक? मीटर हाँ किया है, ऐसा बात मीटर गेज, अच्छा तो उससे इसमें आपको लगता है कि इंडिया को उसे बंद ना करके ऐसा करना चाहिए था या बंद करके ठीक है? नहीं यार ऐसा तो मतलब ये तो बहुत अच्छा है ट्रेन, इसका स्पीड देखो भाई 145 पे चल रही थी। मजा आया हम लोग को इस जर्नी में, एक्चुअली में छोटी जर्नी थी लेकिन अच्छी थी। संदीप भाई कलाकुंद वाली गाड़ी याद आ रही कि नहीं? हाँ मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इंडियन मीटर गेज थी ना उसे बंद नहीं करते और 100 की रफ्तार में चलाते, और सब जगह के लिए कनेक्टिविटी जैसे इन लोगों ने दे रखी है ना वैसे प्रॉपर कनेक्टिविटी देते, मतलब मेरी ऐसी इच्छा थी, प्रिजर्व करके रखना चाहिए था अपनी हिस्ट्री को। और बाकी ये भी अच्छी है, हमारे यहाँ भी जो ट्रेनें चल रही हैं वो तो है ही 10/10 यार, वो तो टॉप है, इससे पहले तो मैं उन्हें प्रेफर करूँगा, हमारे यहाँ की रेड LHB। ताकि चलिए बाकी यहाँ चलते हैं अभी जॉर्ज टाउन के लिए, फेरी लेनी पड़ेगी, उसका क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं, और जॉर्ज टाउन चल करके इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि नॉर्मली लोग आते हैं पेनांग में क्योंकि भाई फूड कैपिटल ऑफ मलेशिया, खाने पीने आते हैं, और जॉर्ज टाउन जाते हैं यहीं से फेरी वगैरह लेकर के, तो हम भी वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, चलते हैं।
देखो निकल के ना आपको यहाँ फेरी टर्मिनल के लिए जाना है, यहाँ पे आपको स्कैन करके बस यहाँ के लिए एग्जिट करना है और फेरी टर्मिनल के लिए आगे जाना पड़ेगा। अच्छा ये आप देख लो, यहाँ से यहाँ के लिए आपको लेना है आधे घंटे का समय लगेगा, इस टाइप की कुछ फेरी है। QR कोड वगैरह भी दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, पर हम लोग काउंटर टिकट लेंगे चल के। यहाँ पे आते ही तो वाइब भी बदल गया, अभी तक एकदम ठंडे वेदर में थे, अचानक से गर्म वेदर हो गया और यहाँ पे नज़ारे देखो आप लोग। जॉर्ज टाउन अलग से एक आइलैंड है, देखो वहाँ पे दूर आपको आइलैंड दिख रहा होगा, जहाँ पे होटल घर सब कुछ बना हुआ है, वहीं पे भी अपने को जाना है। एक्साइटमेंट बढ़ रही है उसको देख कर गया, ट्रेन से तो मज़ा ही आया पर ये थोड़ा नेचुरल वाइब्स भी बहुत पसंद आते हैं। फास्ट बोट का टिकट कुछ ऐसे मिला है, ये देखो यहाँ पे एंट्री होगी 1 बजे है बोट इन्होंने बोला, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस आप देख लो यहाँ पे। अच्छा यहाँ की फेरी आप देख लो, बहुत मस्त है यार, यहाँ पे लोग बाइक स्कूटी वगैरह भी लेकर के आए हुए हैं। अच्छा अंदर एसी है, यहाँ पे 32 रुपीज़ के आसपास पर हेड हमें पड़ा है, लेकिन जो ये नाव है ये एसी है और यहाँ के डोर्स भी ऑटोमेटिक है, सब कुछ है, मतलब सुविधाएं तो इसमें दी गई हैं 32 रुपीज़ लेकर के। हमारी द्वारका वाली में सुविधाएं कुछ नहीं होती, सेफ्टी बैग भी नहीं होता, लेकिन किराया फिर भी उसमें लिया जाता है। बाकी बाहर से भी नज़ारे बहुत अच्छे मिलेंगे पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जब अप्रोच कर रही होगी या इन बिटवीन एक दो बार घूमने चल देंगे बाहर। 1:03 पर अपनी फेरी चल तो दी थी, देखते हैं कब तक पहुँचती है, बाकी इसकी स्पीड अच्छी है। सामने पूरा शहर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 टिकट अवेलेबल थे, एक 1 RM को और 2 RM को। अच्छा किया ना 2 RM वाला दिया, थोड़ा फास्ट है वाली। 2 RM मतलब 34 रुपीज़, मतलब इस चीज़ से आप कैलकुलेट करो, पहुँचने ही वाले मुझे लग रहा है। अब सर्विस बहुत अच्छी थी इसकी, और जैसे ही फेरी चली है ना तब AC की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लग रही ना, यहीं पर अच्छा लग रहा है, अंदर ज़्यादा अच्छा यहाँ लग रहा है, तब तक नहीं चली थी तो अंदर बहुत गर्म था, सॉरी बाहर बहुत गर्म था। गाड़ी वाले पहले निकल जाएंगे फिर पब्लिक निकलेगी यहाँ पर। 15 मिनट में ये सफ़र ख़त्म। अगर आप ये चीज़ कैब से तय करोगे ना तो बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन हाँ यहाँ पे आप ग्रैब ऐप को यूज़ कर सकते हो, GRAB नाम का ऐप है, बाकी कहीं भी जाना यूज़ करो, सस्ता और अच्छे गाड़ियाँ वहाँ पर मिल जाती हैं, ड्राइवर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। बाकी अभी जा रहे हैं आनंद भवन, कुछ खाते पीते हैं फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। आपको पहले यहाँ पे पिनांग तक आके साउथ इंडियन फूड तो दिखाते हैं। यहाँ का बस स्टैंड आप देख लो और बस स्टैंड के साथ साथ बसेस भी आप देख लो, AC डबल डेकर बसेस। अपना इंडिया भी कम नहीं है, मुंबई में आपको AC डबल डेकर बस मिल जाएंगी, सब चीज़ें इंडिया के पास भी। देखो यहाँ पे हम लोग खाना ढूंढते ढूंढते आनंद भवन की तलाश में जा रहे हैं, चलो आ जाओ रोड क्रॉस करते हैं। सामने आनंद भवन है यहाँ पे, अरबी इस्लामिक बैंक है, थोड़ा सा अंदर आपको जाना है, वहाँ ओल्ड बिल्डिंग है आनंद भवन की, तो वहाँ खाना इंडियन ऑथेंटिक फूड मिल जाएगा अपने को। यहाँ पे ये जो जगह है ना, यहाँ पे वुडलैंड रेस्टोरेंट भी है, वहाँ भी इंडियन खाना मिलेगा, साथ में रेस्टोरेंट सरदार जी हैं। सामने जो शेड दिख रहा है ना, वो अपने जैसे इंडिया में उसे क्या बोलते हैं, खप्पर बोलते हैं, वो पड़ा हुआ है, वो है आनंद भवन, ताली तो आनंद भवन भी है, A2B नहीं आनंद भवन का यहाँ पे ब्रांच है। और सामने वुडलैंड रेस्टोरेंट है वो जिसकी मैं बात कर रहा था, वेजिटेरियन खाना पीना खाने के लिए, डिंडिगल बिरयानी भी है, हाँ द मद्रास है, डिंडिगल बिरयानी है, चेटीनाट्स है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, यहाँ का जो आनंद भवन है ना ये वाला,
श्री आनंद भवन, यह प्योर वेज नहीं है इसलिए हम लोग इसमें नहीं खा रहे हैं। वुडलैंड्स है वो प्योर वेजिटेरियन दिखा रहा है। आप चाहे जितना भी महंगा खाना हो वो रेट भी आपको दिखाएंगे और खाना भी आपको दिखाएंगे। भाई ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ रिकमेंडेड है। क्या रेट है यहाँ पे, 120 रुपये का मसाला डोसा, घी मसाला डोसा, मील्स है पूरी पूरी, महाराजा थाली है यहाँ पे आपके लिए 400 रुपये में पूरी थाली है, जो इंडिया में रेट रहता है वही महाराजा थाली का बता रहा हूँ आपको। वेजिटेबल समोसा है यहाँ पे 60 रुपये के आसपास। स्पाइसी खाना तो पनीर बटर मसाला है 13 RM की, संदीप भाई 210 के आसपास की पनीर बटर मसाला है। रोटियाँ हैं, हाँ रोटी थोड़ी सी महंगी है, मतलब 60-70 रुपये की एक रोटी पड़ेगी, लेकिन ठीक है यार मिल रहा है यहाँ पे, वो बड़ी बात है। ऑरेंज जूस वगैरह है। बाकी हम लोगों ने खाना मंगाया था वो आ चुका है, एक मिक्स वेज की सब्जी यहाँ पे, भिंडी यहाँ पे, पुलाव आप कह लो, और ये मैंने थाली मंगाई थी। बस मैं रिव्यू करना चाहता था कि यहाँ अगर आप लोग आ रहे हो तो आपको कोई खाने पीने में दिक्कत ना है, जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। मोहित भाई कैसा लगा खाना? रोटी और भिंडी की जो भाजी है ना, कमाल का लग रहा है यार। भिंडी का भाजी खा के देखो, बहुत अच्छा है। चलो ये वैरायटी हमको मिल गई वो बड़ी बात है। भाभी कुछ टेस्ट किया क्या? भिंडी भिंडी फैन संदीप भाई, सब्जी में मज़ा नहीं आया ना संदीप भाई को? उस मसाले थोड़ा अजीब लगे। ये चावल बहुत गजब बने, ये चावल मैंने खाए थे, मोहित भाई ने टेस्ट किया अभी, ये सबसे बेस्ट भिंडी संदीप भाई। चलिए मैं साउथ इंडियन टेस्ट करता हूँ। साउथ इंडियन थाली का रिव्यू मैं कर देता हूँ क्योंकि मैंने बैंगलोर में बहुत खाया है। ये तो प्योर साउथ इंडियन बनाया भाई, कोई शक नहीं। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है तो साउथ इंडियन थाली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बना। सुकून वाला खाना है भाई ये तो। क्या चीज़ गंदी है ये वेजिटेबल ना, तो भाई ये आप मत ऑर्डर करना, वेजिटेबल बटर मसाला है, बाकी खाना ऑर्डर कर सकते हो। कुल मिला कुछ ऐसा रिव्यू था अपना। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नई जर्नी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ से रिटर्न जर्नी शुरू कर रहा हूँ, वो सत्यम सवर में देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।